नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। 9 महीने बाद सोमवार को जमशेदपुर के अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में रौनक लौटाई। वैसे अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले हैं। इधर सोमवार को लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरे पर रौनक देखी गई। वहीं स्कूलों में कोविड-19 से संबंधित सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी को लेकर देश भर में सभी शिक्षण संस्थान को 21 मार्च 2019 से ही बंद कर दिया गया था। वैसे अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रही है। वहीं भारत में कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। झारखंड में भी संक्रमितों की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना के वैक्सीन आने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। बहरहाल सोमवार से जमशेदपुर के निजी स्कूल में रौनक लौटाई। बस जरूरत है कि स्कूल प्रबंधन कोविड-19 के नियमों का सख्ती से लगातार पालन करे, साथ ही अभिभावक भी अपने बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल भेजे। वैसे अभी छोटे वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल सरकार या बोर्ड की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो प्रैक्टिकल्स करना ही था, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि स्कूल खुल गया। बस हम लोग अपना ध्यान रखेंगे तो आई थिंक हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग को तो अपना डिस्टेंस रखना है, अच्छा लगेगा लेकिन सबसे मिलना। इट्स एक्साइटिंग क्योंकि एक साल बाद स्कूल आ रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट लग रहा है। तो क्लास, न्यू क्लास, स्कूल में न्यू फ्रेंड्स, देन विल मीट स्कूल, एग्जामिनेशन, स्टडीज। बहुत एक्साइटिंग है स्कूल आना, स्टडीज के लिए स्कूल आ गया। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने बताया है कि नर्स गिरफ्त में आए नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी ना तो आरोपी के पिता और ना ही नर्स मानने को तैयार थी। घटना के दिन आरोपी नर्स के फ्लैट पर पहुंचा, जहां उसने नर्स से गाड़ी में पेट्रोल भरने के नाम पर 200 रुपए की मांग की थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद आरोपी ने किचन में रखे चाकू से नर्स अनीता शर्मा की हत्या कर दी और सैनिटाइजर छिड़क कर उसे जलाने का प्रयास किया था। हत्या के बाद आरोपी वहां से भागकर अपने घर चला गया। पुलिस इस मामले में अनीता शर्मा के कॉल डिटेल के आधार पर पहले उसके प्रेमी अरविंद सिंह से पूछताछ शुरू की। उसके बाद पूरे मामला का खुलासा करते हुए प्रेमी के बेटे को गिरफ्त में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि नर्स अनीता शर्मा की हत्या 31 दिसंबर की रात कदमा थाना अंतर्गत जयंती अपार्टमेंट में कर दी गई थी। फिलहाल इस खुलासे के बाद इस नाटकीय हत्याकांड पर से पर्दा उठ गया है। रामनगर स्थित जयंती अपार्टमेंट रोड नंबर 3 में, वहां पे फ्लैट में मृतका का शव तो पड़ा हुआ है, महिला का, जो जली हुई अवस्था में है। थाना प्रभारी को जैसे ही सूचना मिली, वहाँ वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। वहाँ पर जाके घटनास्थल का मुआयना किए तो पूछताछ के क्रम में बहुतों पर जो है शक के निशानदेह पर पूछताछ किया गया। मृतिका का एक दोस्त था, जब CDR निकाला गया तो एक दोस्त पता चला, जो उसके साथ पूर्व में दोस्ती था, उसके साथ काम करता था, उसे भी पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि हमारा इसके साथ जो है सो लिव इन रिलेशन में हम लोग रहते थे, और ये बात जो है सो हमारे घर में हमारे बेटे, हमारे बच्चों को, पत्नी को ये बात पसंद नहीं थी। फिर इस हिसाब के आधार पे जो है सो उसके बेटे जो 17 साल, उससे पूछताछ किया गया उसके घर पे जाके। उसका पूछताछ किया गया, कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने जो है सो अपना इस घटना को अंजाम देने का बात को स्वीकार किया। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गया, जब दो दो शॉपिंग मॉल के मालिक और कर्मचारियों ने मिलकर अन्य दुकानदारों एवं उनके ग्राहकों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते साक्षी बाजार रणभूमि में तब्दील हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची साक्षी
थाना पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। बताया जाता है कि विवाद उस वक्त बढ़ गया जब दुकानदारों के खींचतान में एक ग्राहक का हाथ टूट गया। गौरतलब है कि जायसवाल मार्केट और जुबली मार्ट दो शॉपिंग मॉल है और मालिक एक ही है। इनके कर्मचारी बाजार के अन्य दुकानों में जाने वाले ग्राहकों को जबरन अपने यहाँ खींच लाते हैं, जिसको लेकर कई बार दुकानदार विरोध भी जता चुके हैं, लेकिन दबंग प्रवृत्ति के होने के कारण दोनों शॉपिंग मॉल के मालिक से कोई उलझना नहीं चाहता। लेकिन बुधवार को स्थिति अचानक बिगड़ गई। दोनों शॉपिंग मॉल एक ही परिवार का है। फिलहाल पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हालात पर काबू पा लिया। आगे की जांच जारी है। उधर बाजार समिति के सदस्यों ने जायसवाल मार्केट और जुबली मार्ट के संचालक बंधुओं पर बाजार का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनके इस हरकत से दुकानदारों में काफी नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से ऐसे कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दो नया दुकानदार अभी भाड़ा में दुकान लिया है। एक है यहाँ जायसवाल बाजार और एक दूसरा यहाँ जुबली ट्रेंड्स। पहला जो दुकानदार है, इसका आए दिन ये क्या किया है, अपना पांच लड़का को बाहर रोड पर खड़ा कर दिया है और ग्राहकों को जबरदस्ती घींच घींच के बुलाता है। बगल अगल के दुकानदार बोलते हैं कि भैया आप ग्राहक को, हमारे ग्राहक को खींच के क्यों बुलाते हैं। इसके लिए एसोसिएशन में बैठक भी हुआ, हम लोगों ने भी आग्रह किया कि भाई आप ग्राहक को रोड से पकड़ के ना बुलाएं। ग्राहक डालडा लाइन में आना नहीं चाहता है कि भाई आप रोड से मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मेरा जिस दुकान में इच्छा होगा वहां जाएंगे। जब दुकान में ग्राहक इसका वो नहीं आता इनके बुलाने पे, ये लोग ग्राहक से आए दिन मारपीट और बदतमीजी भी करता है। हम लोग समझा रहे थे, ये लोग मारपीट शुरू कर दिया। स्टाफ लोग जो है करीब करीब 50-100 के संख्या में डंडा, लाठी, कुर्सी, लोहा का पाइप, रॉड सारा निकाल करके और जितने भी दुकानदार बंधु हैं सारे लोग के ऊपर में डंडा चलाया। मेरा चाचा का हाथ टूट गया। माफ करने लायक इन्होंने घटना नहीं की है और इसको माफ नहीं किया जाएगा। हम लोग माननीय आदरणीय थाना प्रभारी कुणाल कुमार जी से आग्रह करेंगे कि इस पे दोषी लोगों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहाँ पे आपसी में दोनों दुकानदार से मारपीट हो रहा है, ये इसका भी पता नहीं चला है। दोनों किस मैटर पे दोनों को थाना ले जा रहे हैं, देख लेते। तो अगल बगल दुकान वाला सब आके भीड़ जमा कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहा है। सब दोनों पक्ष को शांत करा है, एक पक्ष को ले जा रहे हैं और एक पक्ष बोला कि हम लोग आ रहे हैं थाना। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वैक्सीन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 जनवरी को वैक्सीन की ट्रायल हुई थी, वहीं 8 जनवरी को भी वैक्सीन का एक ट्रायल किया जाना है। वहीं इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जिले के डीसी सूरज कुमार ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन दी जाएगी, वहीं दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसको लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। डीसी ने कहा कि जिले में वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिस तरह सरकार की गाइडलाइन आती है उसके अनुसार लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर हम लोग के जिला में पिछले 2 तारीख को भी हम लोगों ने ड्राई रन किया था और साथ ही साथ 8 तारीख को दोबारा एक हम लोग ड्राई रन करने के लिए जा रहे हैं। अभी फर्स्ट पेज में जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से हम लोगों को हेल्थ वर्कर को कोविड वैक्सीनेशन दिया जाना है। उसकी तिथि क्या होगी इसका हम लोग को इंटीमेशन विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना है, इसके लिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ डेटाबेस में फ्रंटलाइन वर्कर की संख्या को देखते हुए जो सेशन साइट्स हैं जहां पर कोविड वैक्सीनेशन दिया जाएगा और जो टीम हम लोग को बनाना है उस टीम की संख्या और स्थान डिसाइड किए जाएंगे, जिसका हम लोग प्रॉपर पब्लिकेशन और पब्लिसिटी कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है अग्रेटर थर्ड फेज में जो वल्नरेबल हैं या एल्डरली हैं उनको दिया जाएगा और फिर फोर्थ फेज में धीरे धीरे पूरे मास पॉपुलेशन को ये हम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन देना है। तो इसकी तैयारी अप्रोप्रिएट और मुकम्मल है जिले में, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैश्विक महामारी कोरोना से जल्द ही देशवासियों को मुक्ति मिल जाएगी। जहां पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरे चरण का ड्राई रन कर
टीकेकरण की तैयारी सुनिश्चित किया गया। इधर जमशेदपुर के विभिन्न सीएसएस अस्पताल, टाटा मुख्य अस्पताल, एमजीएम अस्पताल में ड्राई रन के तहत रिहर्सल किया गया, जहां इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी काफी उत्साहित दिखे। बता दें, विगत 2 जनवरी को पूरे देश समेत झारखंड राज्य में भी ड्राई रन कर वैक्सीनेशन को लेकर चल रही तैयारी पर एक रिहर्सल किया गया और किस तरह से टीकाकरण करना है इस संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जानकारी हासिल की। पुनः देश समेत राज्य में शुक्रवार को ड्राई रन का आयोजन किया गया, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के 9 ब्लॉकों में सीएससी, टाटा मेन अस्पताल और एमजीएम अस्पताल में रिहर्सल किया गया। इस दौरान जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उन्हें किस तरह से टीका लगाना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, उनकी तबियत बिगड़ने पर चिकित्सक किस तरह से उनका इलाज करेंगे, या फिर अगर कोई व्यक्ति टीका से घबराता है तो उसे किस तरह से कन्विंस करना है, इन सारे बिंदुओं पर काफी बारीकी से रिहर्सल किया गया। वहीं जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर लक्ष्मी रानी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दे, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, बहुत जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज 8 जनवरी को पूरे इंडिया में एक साथ सभी जगह ड्राई रन किया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमारे सीएससी में भी किया जा रहा है। यहाँ पेशेंट को स्वच्छता के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, सबसे पहले तो हैंड वॉश करना है, उसके बाद उनके पास एक कार्ड मैसेज आएगा उनके मोबाइल में, और वो जो कार्ड साहब ऑफिशियल नंबर 1 रहेंगे वो उनको देखेंगे कि उनमें उनके आए कार्ड है, मैसेज आया है कि नहीं, फिर उसके बाद ऑफिशियल नंबर 2 के पास आकर वो अपना वेरिफिकेशन करेंगे, वेटिंग रूम में इंतजार करेंगे, जब उनका नंबर बुलाया जाएगा तब उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा और उन्हें 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें कोई दिक्कत हुई तो उसे हम मैनेज करेंगे, और अगर हमसे मैनेज नहीं हुई तो फिर हम रेफर करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जमशेदपुर के तुरामडी और जादूगोड़ा यूरेनियम टेलिंग पॉइंट का आज झारखंड विधानसभा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति ने निरीक्षण किया, जहां समिति के सदस्यों ने यहां कई खामियां पाई जिस पर अफसरों को जवाब तलब भी किया गया। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विधानसभा समिति के सभापति सविता महतो, पोटका विधायक संजीव सरदार, मांडर विधायक बंधु तिर्की, सिसई विधायक जिग्गा होरो ने संयुक्त रूप से तुरामडी और जादूगोड़ा माइंस इलाके का भ्रमण किया, साथ ही ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं यूसिल यूरेनियम के टेलिंग प्वाइंट को भी उन्होंने देखा। इस दौरान समिति ने निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों के दावों को सही पाया। समिति के अनुसार वाकई माइंस के कारण यहाँ की जलवायु प्रदूषित हो रही है, यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे भी दूषित जल के कारण दिव्यांग हो रहे हैं, साथ ही यहाँ कई प्रकार के चर्म रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि इस बाबत अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या नाम है? देखिए, UCI के द्वारा डस्ट का डस्ट का गंदा पानी का जो है ना डंपिंग कर रहा है, इससे तकरीबन 1000 परिवार यहाँ पर उसे नुकसान हो रहा है, और इस तरह का जो यार्ड में प्रदूषण है इतना जबरदस्त तरीके से फैल रहा है कि कितने लोग कुपोषण का शिकार भी हो गए हैं, इसी के चलते विकलांग भी हो रहे हैं, बच्चे भी विकलांग पैदा हो जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो सब्जी को धोता है पानी से, उसको पकाने के बाद काला हो जाता है, चावल पकाता है काला हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं और ये राज के लिए बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है। इस पर निश्चित रूप से हमारी समिति इस पर पूरा रिपोर्ट करेगी, राज्य सरकार को भी इस पर किसी न किसी तरह से इस पर इनको एक्शन में आना होगा और इससे बचना होगा। अगर ये नहीं इस तरह से बचेगा तो आने वाले दिन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है इस इलाके में।